हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। ग्वालियर के ऑटो एक्सपो मतलब यहां का जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें हूं। केवल ये एग्जीबिशन नहीं है, यहां पर बिकती भी हैं गाड़ियां 50% RTO के डिस्काउंट के साथ। पीछे जो देख रहे हो वो है अपना पूरा फोर व्हीलर का सेक्शन, उसे कवर कर चुका हूं, उसमें उतना मज़ा नहीं आया यार। लेकिन उम्मीद जो काफ़ी ज़्यादा वो है यहां पर टू व्हीलर के सेक्शन से। पूरे लाइन से लगे हैं और उसके साथ साथ पूरा स्टॉक भी भरा हुआ है। यहां पर अपना यजदी जावा, इनका स्टॉल देखें, शुरुआत एक्चुअल में यहीं से हो रही है। यहाँ पर ये दी हुई है अपनी यस दी स्क्रैम्बलर और उसके साथ यस दी का कौन सा है भाई, ये मस्सा लग रहा है बिल्कुल। अच्छा रोड स्टार, अच्छा भाई ये ओके रिपोर्ट। इसी में दो कलर हैं अलग अलग, ठीक है। बाकी ये भी स्क्रैम्बलर है और उसके अलावा ये हो गया 42 अपना, ठीक। अब आते हैं अगले पे, मतलब कहाँ पर, KTM पे। इस पे तो किट विट लगी हुई है भाई पूरी स्क्रैम्बलर पे। अब आते हैं KTM पे। ये अपने शॉर्ट पिलन मास हस्क्वारना की प्लस 250, अच्छा ये हो गई अपनी RC125 भाई। 125 cc इंजन में इतना भारी भरकम फेस किया, इतनी हैवी बॉडी, मस्त। और उसके बाद यहाँ पर फिर से आया RC200, बढ़िया। ये हो गई अपनी ड्यूक 250, ये हो गई अपनी कौन सी 200, अच्छा यहाँ पर 250 ड्यूक। चलो भाई ये हो गए अपने यहाँ पर। अब इसके बाद अपना कौन सा वो वाला आगे वाला होंडा, और भाई 50% डिस्काउंट है, बढ़िया चीज़ है RTO में, मस्त। तो जो आप जनरली साल के 11 महीने में खरीदते हैं पूरे उसके साथ पूरी टैक्स वैक्स देकर, वो अब आपको 50% डिस्काउंट में मिलेगा। तो इस तरह से अपना पहला स्टॉल है, लाइन से तीन ही होंडा के अपने, ठीक है। ये AS सुमेधा और फिर उसके आगे साई का। तो भाई एक एक करके यहाँ पर इस टाइप से पूरा का पूरा अपना जो स्टॉक है वो लगा हुआ है। ये शाइन 125 ये हुआ, और उसके साथ CD110 SP125, अच्छा ये मैट में भी आ गई, बढ़िया। और उसके साथ एक्टिवा 125, ओके। मैट वैट भाई अब इनमें भी देने लगे है ना, क्योंकि 6G और अभी जो नया आया है वो वाला यहाँ पर दिख नहीं रहा, ठीक है। ये एक्टिव हो गया। अब चलते हैं अगले पर जो नेक्स्ट वाला है। बाकी उधर भी है बजाज वजाज, वो कौन सा है, बाइकें हैं क्या, हाँ बाइक दिख तो रही है उधर। ये आया एक और यहाँ पर होंडा का, यहाँ देखते हैं, ठीक है। वही SP वगैरह खड़ी हुई है मैट में, ये भी है ग्रे कलर है, ठीक है। आगे लिए वो ये दिख रही है यहाँ पर बस CB200X, मस्त पूरे भाई वही फॉर्म में है। ये उनकी भी आती है ना सुजुकी वालों के भी इसी टाइप से, बढ़िया लग रही है ना। चलो बाकी ये यहाँ लगी हुई है 125 एक्टिवा भाई, कितनी जी आ गई है, जी 6G 5G 4G 3G, अब फिर से जी एक और आ गया, अभी 4-5 दिन पहले लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब फिर से ये होंडा, अब नहीं जाऊँगा भाई अंदर, बहुत हो गया होंडा ना लाइन से। अब आते हैं होंडा बिग विंग, ये अलग टाइप का, ये प्रीमियम होंडा है भाई। ये देखो हालांकि थोड़ी गंदी हो रही है, लेकिन ये तो गंदी भी अच्छी लग रही है। CB350 RS मेन चीज़ है इसका रियर लुक भाई, टायर देख रहे हो क्या सॉलिड लग रहा है ना। ये तो सही करके निकाला इन्होंने, बढ़िया स्क्रैम्बलर वाली फॉर्म में, बस ठीक है ये हो गया। बाकी झाड़ू वाड़ू यहाँ लग रही है, उन्हें लगाने देते हैं फिलहाल, अपने देखते हैं। हाईनेस 350 इसी का अपना जो स्क्रैम्बलर वाला फॉर्म है वो है वो, ठीक है। ये दे रखी है 300F, बढ़िया। यहाँ तो प्रीमियम की कैटेगरी बना रखी है ना भीड़ से अलग करने के लिए इनको। ये हो गई हाईनेस बिल्कुल बेसिक जो आती थी रेट्रो स्टाइल, और ये है अपना, ठीक है। मैट वगैरह सब, मैट का भाई पूरा जोर चल रहा है इस समय, देखो तो ग्रीन के साथ गोल्डन हाईलाइटिंग, बढ़िया। वह मोस्टली बस वही CB350 और उसके साथ, अच्छा ये FB इसी में डाल रखे हैं, ये भी अराउंड 2-2.25 लाख की पड़ रही है ना। चलो भाई ये हो गया। अपना आ गया ओकिनावा, यहाँ पर ओकिनावा का तो मैं बना चुका हूँ, प्रेस प्रो, प्रेस प्लस और एक और छोटा इसमें वेरिएंट था वो अभी यहाँ पर नहीं है, वही है प्रेस वगैरह ही है, प्रेस प्रो ही दिख रही है सब, हाँ सब वही है, ठीक है। अब आते हैं आगे इससे, ये भी तो खड़ी हुई है इनकी अभी, ये अच्छी सेल हो रही है भाई, अभी 3-4 देखी थी, हाँ ये आ गया अपना भाई सबकी आंखों में चमक लाने वाली जगह, रॉयल एनफील्ड।
ओ भाई GT ट्विन, क्या बात है। यहाँ देखते हैं ये पूरा, अरे मर्चेंडाइज वगैरह भी दे रखी है। तो ये पूरी तरह से सेट करके एसेसरी लगा रखी है GT ट्विन 350। चलो उसके बाद है यहाँ पर अपना वो भाई सुपर मीटियोर भी खड़ी कर दी यहाँ तो, क्या बढ़िया लग रही है, गजब ना भाई ये लग रही है भाई हैवी। मैं वीडियो देखा था, वीडियो में उतनी हैवी नहीं लग रही थी। ये हो गए अपने हिमालयन स्क्रैम 411, बढ़िया। लेकिन भाई ये आंखें नहीं हटाने दे रही मेरे को, देख रहे हो, बढ़िया भाई। पूरी लैम्प वैम्प भी बहुत अपग्रेड कर दी है, देखो तो पूरी LED। अब वो कमी कोई नहीं छोड़ी कि भाई ये कर देते, जो कहते ना इतनी महंगी गाड़ी कम से कम ये तो डाल देते, गजब हो गया भाई। एक थंबनेल वगैरह देखें यार, ऐसे 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 ये मस्त है ना, उसके अलावा ये ऐसे एक ही थंबनेल। चलो भाई ये हो गया, बाकी इसके अलावा हंटर तो अब बहुत कॉमन हो गई है, एकदम जैसे लॉन्च हुई थी इसने बड़ा बज मचाया था, लेकिन अब देख देख के रोड पे बहुत सेल हो रही है इसकी भी। यहाँ पर अपने एक और हंटर का ये वेरिएंट खड़ा है ब्लैक में, बाकी ये तो इसका तो दबदबा ही अलग है, क्लासिक 350, जिसको कुछ समझ नहीं आता वो वही उठाता है क्लासिक। इधर मीटियोर खड़ी है, बाकी मीटियोर का अपग्रेडेड लग रहा है बिल्कुल, वो भाई जो अपनी सुपर है इंटरसेप्टर 650, यहाँ पर भी वहाँ पर भी दो कलर शेड में मौके पर हैं। बाकी यहाँ मर्चेंडाइज वगैरह लगी हुई है सब, काफ़ी अच्छा बना रखा है इन्होंने यहाँ पर, है ना। अब चलते ज़रा नेक्स्ट में, नेक्स्ट कौन सा है, यामाहा। एक वो आता था पहले, आए हाय हाय मास लाल पीली सी गजब की खड़ी हैं भाई। इनके डिज़ाइन जो फिलॉसफी है ना वही अलग हो चुकी है, जानवर एलियन से लगने लगे हैं ये। अब देखो ज़रा ये यहाँ पर इस टाइप, ये खाली खाली सा ही अच्छा नहीं लग रहा। बाकी ये देखो ये बिल्कुल वही जैसे वो आता मैन इन ब्लैक मूवी थी उनमें अजीब से वो थे एलियन पेलियन से, वैसी शेप कर दिया इनकी है ना। अच्छा बाकी जो है कि ई बाइक भी इसी में बिक रही है यामा वाले में, ठीक है क्या बात है। वाह जी वाह, आप तो भाई एक्टिंग के बादशाह हो जी है। देखा वाह जी वाह, बताइए बाइक आपने 218 की। अरे सही है यार, रिबेट लेने के बाद ना, तो रिबेट तो यार यहीं के लोकल लोगों को ही मिलती है, मतलब जो भी मध्य प्रदेश का है वो ले सकता है और उसके साथ, लेकिन रजिस्ट्रेशन MP07 ही होगा। ये है कहानी। एक और एलियन ये खड़ा है यहाँ, देखो ये जबरदस्त है वो, हाँ मैट वैट देख लिया। चलो भाई ये नानू कैसे नाम है यार। हाँ अब आते हैं यहाँ, इधर सुजुकी की जो एक्सेस वगैरह हैं वो बगमैन एक्सेस ये हो गया। चलो यहाँ एक्सेस 125 सबसे मेजर रोल जो है वो यही प्ले करती है इनका सेल्स का ये। अच्छा वो एवेनिस वो भी आ गई, ये अपनी बर्गमैन, ये बर्गमैन स्ट्रीट, ये है क्रूजर। लेकिन देखने में एडवर्ड में बड़ा एकदम से इंटरेस्ट सा दिखाते लोग, लेकिन जब सेल्स की बात आती है तो बहुत कम लेते हैं वो। बाकी एवेनिस अच्छी बिक रही है, ये सेल्स अच्छी दे रही है ना, ठीक है। अब आते हैं बाहर, अब कौन सा है, अच्छा TVS हाँ iQube, क्या बात है iQube भी रख रखा है भाई। ये है मतलब ये इस तरह के वो हैं टू व्हीलर है जो देखने में अजीब नहीं लगते, जनरली आप देखते हो ना इलेक्ट्रिक अजीब अजीब से होते हैं, या तो किसी को बहुत ही ओंडा शोंडा सा पसंद आ जाएगा या किसी को बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये बिल्कुल सीडेट सा डिज़ाइन है, सटल सा डिज़ाइन है देखो, है ना, ये सबको पसंद आ जाता है ऐसा डिज़ाइन है। बाकी ये हुआ, ये कलर है इसमें देखो अच्छा है ग्रे कलर मस्त। बाकी आते हैं इधर, ओहो इन्होंने मजा बांध रखा भाई साहब, रोनिन कितनी सही लग रही है देखो, बढ़िया लग रही है ना। इसका भी एक ले लें अपने थंबनेल, बढ़िया देखो तो सेट लग रही है यार होंडा की, कहीं ना कहीं अब वो हिलाएगी जो अब 350 था ना उसकी ग्राउंड हिलाने वाली है। एक और शेड है यहाँ पर रोनिन की, ये देखना है वीडियो वगैरह में इतना ज़्यादा गैप नहीं लगता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऊपर है ये यहाँ से,
बाकी अंदर देखते हैं। अंदर तो अपने कन्वेंशन, अच्छा प्लस अभी भी बिक रही है भाई ये। आप यहीं से ही हैं? आप यहीं से ही हैं? अच्छा 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 हाँ, कार वगैरह की ज़्यादा डालते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये आप यहीं से हैं ना? ये पैप प्लस कितने की ऑन रोड पड़ रही है? अच्छा, बाकी ये है अपने जुपिटर क्लासिक 125, ये हो गए अपने एंटॉर्क, और ये हो गए अपने, ठीक है, अपाचे 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 है। बाकी तो अपाचे टीवीएस ने बहुत बड़ा अपना पोर्टफोलियो बना लिया भाई, देखते देखते देखो है ना, और सारी ही जो इनकी वो हैं टू व्हीलर हैं वो अच्छी खासी सेल्स दे रही हैं। ये हो गया, अब आते हैं जुपिटर 125, इस समय तो हॉट केक है यार, ये जो खड़ी है ये मस्त, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे कौन सा है? अच्छा ये भी टीवीएस था, ये गरिमा टीवीएस, ये रॉयल टीवीएस, पैप प्लस यहाँ दूसरे कलर में खड़ी। हाँ यहाँ कलर मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन ये देखो, ठीक है, एंटॉर्क, ये चमकीला वमकीला मस्त, पैप प्लस। हमारे यहाँ तो पैप प्लस लाता ही नहीं भाई कोई, वहाँ बिकते ही नहीं, वहाँ या तो यही बिक जाएंगे जो बिल्कुल फुटरी सी हैं, वो हीरो पुक टाइप की, वो टीवीएस एक्सल 100 है ना। बाकी हो गए रॉनिन, रॉनिन बड़े जोर पे यार है ना। बाकी ये कलर देखकर और ये बाइक देखकर तो किसकी याद आती है, याद दिलाओ हमारे पलवल वाले भाई लोग कभी इसको आग लगा रहे थे, कभी गड्ढे में दबा रहे थे, है ना भाई, तुम्हारे लिए है ये शॉर्ट अरुण भाई, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, नहीं ओ भाई 310 भी रख रखी है, तो ओ भाई साहब भाई कितनी बढ़िया, हम तो बच्चे से लगेंगे इस पर, ठीक। ये हुआ, बाकी एंटॉर्क येलो येलो में, ठीक है, 125 जुपिटर का तो है बोल बोला, ये रॉनिन खड़ी है शेड में, ठीक है। बाकी इससे आगे आते हैं, ये है हमारा ऊँट, बढ़िया फोर व्हीलर में आता है वो तो, टू व्हीलर में नहीं है। यहाँ आ गया बजाज, बजाज का अच्छा खासा यहाँ पर आपको मिलेगा, जो अच्छी रेंज है, काफ़ी बड़ा ले रखा है इन्होंने, पोर्टफोलियो भी बड़ा ही है। यहाँ आता है सबसे पहले पल्सर, जो जस्ट लॉन्च हुई है P150। बाकी इंजन कितना सा लग रहा है यार, अब पहले 150 cc में कितना बड़ा लगता था। यहाँ पर आ गई है N160, उसके साथ पल्सर N160 वही है, बाकी इसमें अलग अलग शेड्स हैं, पल्सर 150 या N160 में ही, ये 125, अच्छा ठीक है, ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। बाकी आ गए फिर इकोनॉमिकल सेगमेंट, CT100 प्लेटिना, चलो भाई अवेंजर से तो यादें जुड़ी हुई हैं, अलग स्पेशल अपनी वाली वो खड़ी वहाँ पर, ये भी पल्सर F250, अच्छा, टोटल डिस्काउंट मेल है 50% छूट 5730, अच्छा ये हो गई अपनी यहाँ पर ये, अच्छा डोमिनार में ये कलर बढ़िया, येलो येलो नियॉन कलर आ गया भाई। अब चलते हैं अगला स्टॉल कौन सा है उसमें, सब प्याजियो और टाटा मोटर, उधर उधर तो वो कमर्शियल थ्री व्हीलर वगैरह है, बाकी यहाँ पर आ गए हीरो, अच्छा एम्पियर भी लगा हुआ है भाई यहाँ तो, हीरो इलेक्ट्रिक भी लगा हुआ अलग, और जीप का भी है उधर तो, अभी जीप पे भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं। ओ भाई साहब BMW भी है, वॉल्वो भी है, वो तो देखा ही नहीं। बाकी यहाँ पर आए हीरो मोटोकॉर्प, ये हो गई एक्सपल्स अपनी, ठीक है, मैस्ट्रो वेस्ट्रो पूरी खड़ी हैं, एक्सट्रीम, बाकी आगे भी हैं। अब आते हैं इधर, ये कुछ लाइन से खड़ी है, स्पेशल डिस्काउंट 8000 तक का, ये हो गई ग्लैमर और स्प्लेंडर प्लस। हीरो में तो कुछ ऐसा वो बिल्कुल ऐसा होता ना आई कैची सा, वो प्रोडक्ट नहीं है ना, तो वही अपनी अलग अलग रंग बिरंगी ग्राफिक्स में कर रखी हैं। जैसे वो देखो स्प्लेंडर की, तीन तीन तरीके की स्प्लेंडर खड़ी हैं, देखो देख रहे हो, चार तरीके, सब इसी टाइप से खेल रखा है इन्होंने, है ना। बाकी ये हुआ, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। अच्छा जूम, ओके जूम आ गई भाई, जूम यहाँ पर आ गई है, ठीक है,
और ये हो गई यहाँ, ठीक है, अभी जस्ट लॉन्च्ड है, ठीक। उसके बाद आते हैं आगे, अब कौन सा है, उधर हो गए ई रिक्शा वगैरह सब, वो देखो है ना, वो ई रिक्शा, इधर भी TVS, और अच्छा उधर भी तो है यार, बतेरा रिपीटेटिव हो जाते हैं फिर उसमें मज़ा नहीं आता। जीप का देखो एक वो है उधर, ठीक है, और एक जीप का इधर है, बाकी ये रहा एम्पियर टू व्हीलर, इनके सब एक जैसे से ही लगते हैं, वही खड़े हुए लाइन से, देखो देखने में आगे से डिज़ाइन में ये लग रहा है जैसे वो आया जुपिटर का 125, सेम वही डिज़ाइन है, देखो सेम वही, सब वही मॉडल हैं, क्या करें फिर देख कर। अब आते हैं, ये सही रख दिया नाम दुकान का, ठेले का अंकल भेलपुरी है ना, बाकी ये हीरो इलेक्ट्रिक, ठीक। ये आ गई अपने जीप, ऑडी भी है, वॉल्वो भी है, एक एक ही खड़ी होगी भाई यहाँ पर, ये जीप खड़ी है, डैमो खड़ा कर दिया अपना, इनकी तो मजबूरी सी हो जाती है ना, यहाँ तो कुछ खड़ा ही नहीं है, है ना। बाकी वॉल्वो में भी कुछ नहीं खड़ा, बंदे भी नहीं है, बस बना बना के चलेगा यार, अरे यार। बाकी ये BMW यहाँ पर ये खड़ी हुई है अपने, बहुत बढ़िया, लेकिन इस पर भी कलाकारी सी हो गई, ये चीज़ तो दिल दुख जाता है यार, साफ़ सफाई हो पूरी बढ़िया सी। एम स्पोर्ट, क्या बात है, कौन सी 520D, ओके, बीमर हो गई अपनी लास्ट, ठीक है। बाकी यही था इधर भी, अब इससे ज़्यादा क्या दिखाएं, इतना ही है कुल मिला के, ठीक है। तो इस तरह से मेला वेला जो लग रहा है वो आपने देख लिया, देखूं कितने पर है, हाँ 0.6 पर ही है। तो बाकी ये कैसा लगा आपको वॉक अराउंड पूरा, वो ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो, वह मेरे को पता सो जैसा हो रहा है कि ठीक है कर दे रहे हैं, जो दिख रहा है दिखा दे रहे हैं, बाकी एक नया सा एक्सपीरियंस होता है, कोई चीज़ एक्टिविटी हो रही हैं अपने कहीं भी, आपको घर बैठे देखने को मिल रही है, तो बस इसीलिए थोड़ा सा लाइक कर देना, ठीक है। तो भाई इतना ही रखते हैं, चलो जय हिंद।